बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के नामांकन के आखिरी दिन भाजपा से खपा बीजेपी नेता नरेंद्र ऋषिदेव ने सुपौल के त्रिवेणीगंज विधानसभा से एनडीए के जदयू प्रत्याशी बीना भारती के खिलाफ निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद से पूरे त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण बदल गया था, क्योंकि नरेंद्र कुमार ऋषिदेव को भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने समर्थन कर दिया था। वहीं चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में नामांकन वापस लेने की तिथि आज निर्धारित की थी, जिस कड़ी में भाजपा के बागी नेता निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र कुमार ऋषिदेव ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा नेता नरेंद्र कुमार ऋषिदेव ने त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र के एनडीए गठबंधन के जदयू प्रत्याशी वीना भारती को समर्थन देने की बात कही और भाजपा से नाराजगी की बात को अस्वीकार करते हुए भाजपा में रहने की बात कही। जी, हमने नामांकन किया था और अपने पार्टी के हित में पार्टी का जो निर्देश हुआ उस निर्देश का मैं पालन किया हूँ, इसलिए मैं अपना नाम। किस पार्टी का निर्देश आपको मिला था? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश स्तर से लेकर के यहाँ विधानसभा स्तर का पदाधिकारी हूँ। तो आपने नॉमिनेशन किस हिसाब से दिया था? जब पार्टी में तो आपके भारतीय जनता पार्टी में तो एक अनुशासन है और अनुशासन के लिए ही भारतीय जनता पार्टी जाना जाता है। देखिए, हम लोग साथ मिल के काम करते हैं, आपस में हम लोग का मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं है, इसलिए उस मनभेद के चलते मैं अपना नामांकन दिया था, लेकिन वह मनभेद अब दूर हो गया है। हम लोग अब सब साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गए हैं और हमारा जो यहाँ एनडीए का प्रत्याशी है उनको जिताने के लिए जो भी करना पड़े हम सभी घटक दल के लोग साथ मिलकर के काम करेंगे। सुपौल से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।